नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ये कुछ रैशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए. अब 2/5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले इसके लिए नंबर लाइन बना लेते हैं हम लोग. अब जो हमारा नंबर है 2/5, वो एक्चुअली में ऐसे कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. तो मतलब नीचे क्या है 5, तो मतलब 0 और 1 के बीच में इसको हम लोग को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. ये हो गया 2/5. कहाँ आएगा, यही वाला पार्ट. ये फर्स्ट वाला पार्ट हो जा होगा हमारा 1/5, सेकेंड वाला होगा 2/5, थर्ड वाला होगा 3/5, ये होगा हमारा 4/5, और फिर ये 5/5 यानी कि 1. तो हम लोग को रिप्रेजेंट करना है 2/5, जो कि हमारा यहाँ पर है. तो बस ये इस तरह से ये डिनोट कर दिया जाएगा. सबसे पहले पहचानना होगा 2/5 है तो वो किसके बीच आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा. जब ये निकल गया उसके बाद क्या है, 2/5 है, नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो मतलब 0 और 1 के बीच में जो है उसको हम लोग को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये क्या है 2/5, तो फर्स्ट वाला पार्ट 1/5, सेकेंड वाला पार्ट 2/5. तो ये जो होगा ये हमारा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है 2/5 का. नेक्स्ट है देखिए 3/4, फिर देखना होगा किसके बीच में लाई करेगा. तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है. तो फिर से नंबर लाइन बनाएंगे. यहाँ पर क्या है 3/4, डिनोमिनेटर में क्या है 4, यानी कि 0 और 1 को हम लोगों को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा. 1, 2, 3, 4. अब ये क्या है 3/4, तो ये 1/4, ये 2/4, ये जो है ये एक्चुअल में हमारा 3/4 का रिप्रेजेंटेशन है. तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे. ये हम लोग का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है 3/4 का. नेक्स्ट क्या है 1/2. 1/2 तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसको हाफ में इस तरह डिवाइड किया गया है. ये भी हमारा कहाँ लाई करेगा, 1 को 2 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करने से हमारा काम हो जाएगा. सबसे पहले नंबर लाइन बनाना होगा 0, 1. नीचे क्या है 2, तो मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2. तो ये हमारा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है 1/2 का. तो इस तरह से रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं.